नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में ना आप लोगों को आइसर 333 के बारे में बताऊंगा। ट्रैक्टर को के बारे में भाई, जैसे कितने प्रकार के मॉडल में आता है, क्या क्या इसकी खास बातें हैं, आपको ऑप्शनल में क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले को एक खुशखबरी जमींदार भाइयों को दे देता हूँ, जो आइसर 333 है अभी प्राइमा लुक के साथ में भी ट्रैक्टर आ गया है मार्केट के अंदर। आप इस ट्रैक्टर को ले सकते हो अपने काम के अनुसार। जैसे जिसको बहुत सारे बंदों का कहना था कि भाई हमें प्राइमा जो G3 जो शो अभी नई लुक के साथ में ट्रैक्टर आया है वो काफ़ी पसंद है और ज़मींदार भाइयों की डिमांड थी, तो इसलिए कंपनी ने अब इसको भी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। और जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भाई पहले एक चीज़ बताता हूँ, भाई ट्रैक्टर जो है जो 333 है ये दो प्रकार के ट्रैक्टर के साथ में आता है। जैसे हम इसके मॉडलों की बात करें भाई, 333 540 PTO के साथ में और एक खाली 333 के नाम से आता है। और दोनों ट्रैक्टरों में जैसे हम इंजन की बात करें, ट्रिम 3 जो 333 540 PTO वाला है वो अपना ट्रिम 3 AS 318.1 फोर स्ट्रोक वाटर कूल इंजन के साथ में आता है। और जो 333 है खाली वो S 324 F1.1 फोर स्ट्रोक वाटर कूल के साथ में आता है। और दोनों ट्रैक्टर 3 सिलेंडर मिल जाएंगे आपको। अगर इसके इंजन की बात करें, जैसे कि हम दोनों ट्रैक्टर इंजन की बात करें, तो अपना इन बोस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में 3 सिलेंडर 88.9 का mm का बोर और 127 mm के स्ट्रोक के साथ में आता है। 2270 cc का जो है इंजन इसका वो है 333 540 PTO वाले का, वो है उसकी जो PTO पावर जो cc है वो है सब 2270। और जो अपना 333 खाली से 333 आता है उसकी cc है 2365 cc जो है 2365 cc के साथ में आता है। 2000 इंजन रेटेड और RPM के साथ में ट्रैक्टर, दोनों ट्रैक्टर आपको मिल जाएंगे। और जो हाई आइडल RPM है 2125 प्लस में 75 कम ज़्यादा, और ये दोनों अलग अलग सेम बनेगा 2150 जो 333 है खाली 2150 50 RPM ऊपर नीचे। और अगर हम इसकी बात करें लो आइडल के RPM की बात करें तो 750 RPM बनेगा 333 जो 540 PTO के साथ में आता है। और जो अपना नॉर्मल 333 है उसका 700 RPM बनते हैं। अगर हम बात करें जैसे दोनों कंप्रेशन रेशो है जो 533 540 PTO के साथ में 17.01 और 333 जो आता है 18.5.3:1 के साथ में आता है। फायरिंग ऑर्डर 1, 2, 3 के साथ में ट्रैक्टर आते हैं। अब जैसे बात करें भाई इसकी PTO की बात करें, और जैसे कि PTO की बात करें तो 6 स्प्लाइन के साथ में PTO आती है इसकी। और सबसे अच्छी बात ये मिलेगी आप लोगों को इस ट्रैक्टर में, जैसे आप ऑप्शनल में चाहते हो जैसे डबल क्लच भी ड्यूल क्लच भी ले सकते हो और सिंगल क्लच में भी आप इस ट्रैक्टर को ले सकते हो। ड्यूल क्लच और सिंगल क्लच 11 इंच के डायमेंशन के साथ में आती है। और अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें, 8+2 के साथ में आता है ट्रैक्टर। जो 333 540 PTO वाला है उसमें स्लाइडिंग मैश सुपर गियर बॉक्स आता है, और जो 333 खाली 333 जो ट्रैक्टर है उसके अंदर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट मैश एंड स्लाइडिंग मैश। कुछ गियर स्लाइडिंग मैश के होते हैं और वो कुछ गियर कॉन्स्टेंट मैश के उसके अंदर ट्रैक्टर के अंदर दिए गए हैं। और बात करें भाई जैसे ब्रेक की बात करें, ब्रेक में भी काफ़ी अच्छा ऑप्शनल जैसे ज़मींदार भाइयों को मिल जाता है ट्रैक्टर के अंदर। जैसे बहुत सारे बंदे हो ज़मींदारों की ज़रूरत होती है भाई ऑयल इमरिस्ट ब्रेक लेना है या आपको ड्राई डिस्क ब्रेक लेना है, आपको इस ट्रैक्टर में ये भी मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है जैसे साइड शिफ्टिंग गियर भी आपको लीवर मिल जाएगा, साइड शिफ्टिंग गियर भी मिल जाएंगे आपको और सेंटर गियर के साथ में भी, ये ऑप्शनल है आप ऑप्शनल में ले सकते हो। और जैसे हम इसके रेयर एक्सल की बात करें, जो फ्रंट एक्सल है इसका वो अपना पोर्टल भी है और स्ट्रेट भी है। जैसे आप इसको सीधा एक्सल भी ले सकते हो और थोड़ा सा मुड़ा होता है पीछे से, आगे से थोड़ा मुड़ा होता है ताकि टर्निंग रेडियस का उस पर डिफरेंस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। और हाइड्रोलिक की बात करें तो हाइड्रोलिक में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में ट्रैक्टर आप लोगों को मिल जाएगा 333 जो है। और जैसे कि लिफ्ट कैपेसिटी है, दोनों में लिफ्ट कैपेसिटी एक समान मिलेगी आपको 1200 kg की, जो कि 3-point लिंकेज के साथ में जो चेक चेन स्टेबलाइजर है वो ऑप्शनल में आपको मिल जाएगा। आपकी मर्जी, आप लेना चाहो तो ले सकते हो और नहीं तो आपकी वो मना भी हो सकती है। और बात करते हुए जैसे टायर की बात करें ना, जैसे ट्रैक्टर के अंदर आपको 12-4-28 जो कि जो टायर ना बैक रियर टायर है वो 12-4-28 का भी आपको मिल जाएगा और 13-6-28 का भी आपको टायर मिल जाएगा। ये दोनों टायर ऑप्शनल में, आप अपने काम के अनुसार इस ट्रैक्टर को आप इन टायर साइज़ को चूज कर सकते हो। और अगर मैं आगे चल के अगर आप लोगों को बताऊं इस ट्रैक्टर की बात, टर्निंग रेडियस है दो, एक का है 3.2 और एक का है 3.05, ऑप्शनल में है, आप लेना चाहो जो सा वो ले सकते हो। और जैसे कि हम बात करें इस ट्रैक्टर की छोटी छोटी और भी बताएं आप लोगों को, जैसे कि बात करें SFC की बात करें
PTO पावर की बात कर रहे हैं, HP की बात कर रहे हैं, तो 39 HP की कैटेगरी में ट्रैक्टर काफ़ी कारगर ट्रैक्टर है, जो कि इसकी PTO पावर आप लोगों को यहाँ दिखेगी, देखने को मिलेगी। जो इसमें है SFC है 185 ग्राम पर आवर पर HP के साथ में, और जो PTO पावर दी गई ना 32.95 HP PTO पावर के साथ में ट्रैक्टर आता है, जो 39 HP की श्रेणी में आता है। पावर स्टेयरिंग है, मैकेनिकल स्टेयरिंग है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हो ट्रैक्टर को, और साथ में जैसे आपको नई लुक के साथ में मिल जाएगा ट्रैक्टर, जो कि ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में ट्रैक्टर आता है, और नई सुपर प्लस के साथ में। और जैसे कि बात करें भाई ट्रैक्टर जो डैशबोर्ड वगैरह है वो काफ़ी अच्छा शानदार बना दिया कंपनी ने, क्योंकि ज़मींदारों की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया है। अब बहुत सारे ज़मींदारों की यही डिमांड होती थी भाई हमें ट्रैक्टर चाहिए जैसे नई लुक के साथ में, 333 जो कि छोटे ज़मींदारों के लिए 39 HP की श्रेणी में अगर हम बात करें तो काफ़ी किफ़ायती और बहुत अच्छा ट्रैक्टर रहा है। अगर कोई बंदा लेना चाहता है तो इस ट्रैक्टर को अपना आगे ट्राई कर सकता है, 333 एकदम बिल्कुल जो है ज़मींदार भाइयों ने प्रॉपरली यूज़ किया हुआ है, और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है ये कंपनी का। और ये अपना स्टेबलाइजर वगैरह, और पीछे देखो आप 1200 kg लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर आता है। अगर हम इसकी SFC देखें तो अपना जो नई लुक के साथ में आया ट्रैक्टर, इसका भी ऑलमोस्ट सेम आप लोगों को मिलेगा, जो कि लाइट ऑन करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ा सा डार्क होने के कारण भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो यही था भाई तुम कंपनियों को नजर ज़मींदार भाइयों के काम के हिसाब से ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया है। अपनी तो टॉर्च भी ख़त्म होगी, इसकी जो HP है भाई क्यों परेशान कर रहे हो, आगे टॉर्च जो इसकी SFC है 193 ग्राम पर HP पर आवर और 32.49 की यानी कि 32.5 ऑलमोस्ट लगभग इसकी PTO पावर दी गई है। तो यही चीज़ दिखाना और बताना चाह रहा भाई, जैसे हीट गार्ड दे दिया कंपनी ने काफ़ी अच्छा, जैसे ताकि ज़मींदार भाइयों को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो यही चीज़ दिखाना चाह रहा भाई। जैसे वेरिएंट जैसे हम बात करें पावर स्टेयरिंग, नॉन पावर स्टेयरिंग, स्टेट एक्सेल और थोड़ा सा मुड़ा हुआ एक्सेल के साथ में भी आता है, पोर्टल जिसको एक्सेल बोल देते हैं हम। HP सेम है, फीचर छोटे छोटे, अगर डबल क्लच भी आपको मिल जाएगा, सिंगल क्लच भी मिल जाएगा आपको ऑप्शनल में, 13-28 का टायर भी साइज़ मिल जाएगा, 14-28 का टायर, सॉरी 12-28 का भी साइज़ मिल जाएगा, 13-28 का भी टायर साइज़ इसमें मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है दो लुक में आ गया भाई ट्रैक्टर, आप जोन सी आपकी पसंद है आप उस पसंद के हिसाब से ट्रैक्टर को ले सकते हो। तो यही चीज़ दिखाना और बताना चाह रहा था भाई ट्रैक्टर की, जैसी भी और सेंटर गियर और साइड शिफ्ट दोनों में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। जैसे सेंटर गियर आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ खड़ा है जो कि सेंटर गियर में आप लोगों को मिल जाएगा ट्रैक्टर। और इसमें जो गियर ऑप्शन है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स भी आता है, और स्लाइडिंग मैश प्लस में कम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट मैश का और स्लाइडिंग मैश का, वो भी आप लोगों को इसमें गियर मिल जाएगा। 3-star 5-star के साथ में ट्रैक्टर आता है, पावर स्टेयरिंग नॉन पावर स्टेयरिंग जैसा आप चाहो वैसा आप ले सकते हो। तो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट कर जरूर बता देना, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।